अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पंजाब मौज़ा मोहम्मद सही, वेलकम टू मोहम्मद सही। देहाती लोग, देहाती कल्चर, देहाती रहन सहन, देहाती माहौल। दोस्तों, मैं आपसे उर्दू और हम अपनी ज़बान में जो बात करते हैं, जिवें गल करते हैं, वो भी बीच में मिक्सअप करूँगा, तो कोई भी माइंड ना करे प्लीज़, क्योंकि ये देसी चैनल है, पाकिस्तान देसी व्लॉग, मैंने इसका नाम चेंज किया है। तो दोस्तों, तो मेरे प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, आज तुम्हें मैं दिखाना कि जो आम जबान में गुलहरी भी कहते हैं, इतना मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, जितना कुछ अल्लाह पाक ने दिया है अकल इलम समझ बूझ, उसके मुताबिक ही बोलता और सुनता और कहता हूँ। अल्लाह का शुक्र है जितना जिसने जो भी दिया है। ये देखो गुलहरी जो है ना, वो सामने आपके सामने देखो, कुत्तों की आवाज़ से डर के पहले वो क्या खा रही थी, वो देखो उठा के फिरा के आपको दिखा देता हूँ। खा रही है ना दीवार पे, ये गुलहरी है, ये आम का छिलका सूखा हुआ आम, रात को हमने खाए तो फेंक दिया, ये सूखा हुआ छिलका जो मीठा होता है ना आम, वो खा रही है। ये नीचे से उठा के लेके गई है, ये देखो देखो अल्लाह ताला की कुदरत, सुभान अल्लाह, शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, तारीफ ही उस खुदा की, तेरी मेरी क्या तारीफ है, हमने तो एक दिन फना यानी ख़त्म हो जाना है, तारीफ उस अल्लाह पाक की, अल्लाह तबारक व तआला की, जिसने हमेशा ज़िंदा रहना है और रहा है, अव्वल भी आखिर भी इब्तिदा भी इंतहा भी अल्लाह ही है। हम तो अल्लाह पाक के बंदे हैं, अल्लाह पाक के गुलाम हैं, बंदे हैं, अल्लाह का हुक्म सर आँखों पे। भाई साहब देखो, हम आम खा के उसके छिलके गुठलियाँ फेंक देते हैं शहरों में, जो कि शहरों में जानवर नहीं होते, अक्सर जानवर देहातों में होते हैं, शहरों में भी रोग रखते हैं कम ज़्यादा, लेकिन ज़्यादातर जानवर देखो, जैसे ये गुलेरी, ये जितने भी जानवर होते हैं, परिंदे होते हैं, ये जानवर में शामिल होता है, इतना मेरा इलम नहीं, गुलेरी है ये किस में शामिल होता है, इसके दांत भी हैं, दो कान भी हैं, आँखें भी हैं, इसकी चूहे जैसी मूछें होती हैं, और इसका कलर भी देखो कितना बेहतरीन कलर है, अल्लाह पाक की कुदरत है। पिछली बार भी मैं आया था यूट्यूब पे, मैंने लगाया हुआ है कि इसी गुलेरी को मैंने पकड़ा था, वो पकड़ा इसलिए था क्योंकि ये इधर हमारे घर में दरख्त लगे हुए हैं ना, कीकर, असी आम जबान कीकर कहते हैं, उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं, असी अपनी जबान चल कीकर कहने आते हैं कि देसी कीकर। ये देखो कवा भी गुजरा तो गुलेरी डर के पीछे हट जाती है और छिलके को छोड़ के वापस भागने की कोशिश करती है, डरपोक बहुत होती है, मैंने डरती है, छोटे से छोटे परिंदा भी आ जाए तो डरती है, मैं भी इसके करीब जाऊंगा तो ये डर के दूसरी तरफ चली जाएगी, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए गुलहरी है, इसका कलर देखो अल्लाह ताला ने बनाया, देख अभी आगे पीछे हो रही है ना, उसको लग गया पता भी पंदा आ गया है, ये देख फिर भी वो खाने में लगी हुई है, धड़ाधड़ चल रही है, आम का सूखे आम का छिलका है जी। अम्मी जान लेके आता हूँ, एक मिनट मैं गुलहरी की वीडियो बना रहा हूँ, ये छिलका ये भाग रही है, अब ये आगे आगे मैं पीछे पीछे चल, वो मेरी तरफ भी देख रही है, अभी ये जो है ना मेरी तरफ ही आ रहा है, अभी ये तो खुजली कर रही है, क्या क्या कर रही है आप इसको देख सकते हैं वीडियो में, अभी देख ये छुपके के मेरी तरफ इसने मुँह कर लिया, अभी ये किक्कर पे यानी इसके ऊपर चढ़ेगी देखना, या भागने की कोशिश करेगी क्योंकि मैं इसके पीछे हूँ, देख वो आगे चूहे की तरह मैं उसके पीछे, आप ये खेल देख सकते हो गुलहरी का, देखो इसकी आंखें, ये देखो वो और से देख रही है, अभी नज़र आ रही है आपको, इसका कलर ही ऐसा है, ले आना अम्मी जान, ये देखो वो आगे हम पीछे, वो देख वो गई वो गई वो गई, ये आ गई, ये ऊपर हमारे घर, इनका आपको मैं रहने की जगह भी दिखा सकता हूँ, ये जैसे परिंदे घोंसला बनाते हैं ना दोस्तों, तो ऐसे ही ये गुलेरी अपना, ये देखो घोंसला बना, ये देखिए हमारे घर में ये है, ये देखो मेरे घर में है ये गुलेरी, स्कूल पर देखो इधर से नीचे से चढ़ती है,
इसलिए इधर छुपी है ना, अभी इधर इधर छुपी हुई है ऊपर। अब इधर से उतर के ऐसे 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 इसके ऊपर चढ़ के रात को इसके ऊपर सोती है, इधर ही अंडे देती है, फिर इधर से ही बच्चे निकलते हैं इसके। एक ये भी है, एक अगर आप ये देखो एक गिलहरी ऊपर घूम भी रही है आपको सबूत की, ये देखो नजर आएगी उसकी पूंछड़, यानी कि पीछे ये आ गई गुलेरी, देखो ये जा रही वो जा रही, वो दिखा दिया ना, दो है इनके, ये देखो ये गुलेरी है, ये उतरेगी, ये मैं इसको उतार रहा हूँ, वो आपको नजर सबूत के तौर पर, आप शायद ना माने कि ये घोंसलों में नहीं रहती, तो ये देखो आपको सबूत के तौर पर, वो जा रही, देख आगे आगे नजर आ रही आपको, वो चलते वो खड़ी। हाँ जी एक मिनट क्या, मैं क्या एक मिनट सबर कर, मैं वीडियो बनाई जाना गुलेरी दी, ये मम्मी बार बार बुला रही है, लेकिन मैं इधर गुलेरी की वीडियो बना रहा हूँ, वो खड़ी ये देख। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग, ये आपको गुलेरी का थोड़ा सा आपको उसका घर उसकी मालूमात बताई, उसका वो कहाँ रहती है ये भी बताया। तो दोस्तों मेरे चैनल पर ऐसी चीज़ें ही मिलेंगी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।